जब किसी की मैमोग्राफी या ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आप BIRAD इसके साथ 1 या 2 या 3 देखते हैं तो उलझ जाते हैं। अगर आपको ऐसी उलझन होती है और आपको समझ में नहीं आता कि ये क्या कैटेगरी है और इसकी क्या माने हैं, तो मैं आज आपके सामने इसी को सुलझाने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डीपी मेमोरियल। दोस्तों, मैमोग्राफी या ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड में हम विराट कैटेगरी देखते हैं और ये कैटेगरी इंडिकेट करती है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या नहीं है, या अगर गांठ है तो वो किस तरह की है, क्या वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है या हाईली कैंसरस है। दोस्तों, जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, BIRADS इसका फुल फॉर्म होता है ब्रेस्ट इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डेटा सिस्टम। बी फॉर ब्रेस्ट, I फॉर इमेजिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, A फॉर एंड, D फॉर डेटा एंड S फॉर सिस्टम। ये विराट्स कैटेगरी बनाया गया है ब्रेस्ट के कैटेगराइजेशन के लिए कि उसमें किस तरह का ट्यूमर है, कैंसर है, नॉन कैंसर है। तो विराट कैटेगरी, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि कितने तरह के होते हैं, तो आप विराट के अक्षरों को याद रखें। विराट स्टैंड फॉर BIRADS, BIRADS 6। तो विराट्स कैटेगरी भी 6 होती है। कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सिंपल। कैटेगरी 1, अगर किसी के रिपोर्ट में कैटेगरी 1 है, इसका मतलब उसमें कोई भी नोड्यूल, कोई भी गांठ, कोई भी गठान नहीं है। कैटेगरी अगर 2 है तो गांठ या गठान तो है लेकिन वो कैंसरस नहीं है, जिसको फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज या फाइब्रोएडिनोसिस भी कहते हैं। कैटेगरी 3, ये गांठ है और कैंसरस भी हो सकता है लेकिन केवल 2% या उससे कम केस में। यानी अगर 2% या उससे कम केस में कैंसरस है या कैंसर के चांसेस हैं तो ये विराट्स कैटेगरी 3 में आती है। इसको फाइब्रोएडिनोमा भी कहते हैं। इसके अलावा कई और दूसरे तरह के ट्यूमर भी होते हैं जो कि रेयरली कैंसरस होते हैं। अब जब कैंसर के चांसेस 2% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ये चला जाता है कैटेगरी 4 में। और कैटेगरी 4 भी होता है 3 तरह का, 4A, 4B और 4C। 4A, हमने जहाँ पे कैटेगरी 3 को छोड़ा था 2%, यहाँ से लेके अगर 10% तक हो रहा है, यानी 2% से 10% कैंसर के चांसेस हैं, तो 4A कैटेगरी में आएगा। अगर 10% से 50% के चांसेस हैं कैंसर के, तो 4B में। और 50 से 95 यानी 95% तक के चांसेस हैं कैंसर होने के, तो ये 4C कैटेगरी में चला जाता है। अब 95 से अगर ऊपर गया तो ये चला जाता है कैटेगरी 5 में। कैटेगरी 5 जो कि हाईली सजेस्टिव होते हैं मैलिग्नेंसी यानी कैंसर के, कि अगर कैटेगरी 5 है तो आप उसको कैंसर ही मानिए 95% से 100% के बीच में। लास्ट है कैटेगरी 6। कैटेगरी 6 इज डायग्नोस्ड कैंसर, डायग्नोस्ड मैलिग्नेंसी। बायोप्सी प्लस दूसरे कन्फर्मिटी टेस्ट हो चुके हैं या पेशेंट की ऑलरेडी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, जब वो रिपोर्ट कराने जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट में विराट 6 दिया रहता है, यानी कि दिस इज कैंसर, दिस इज मैलिग्नेंसी। दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कि BIRADS 0 लिखा होता है। अब ये 0 क्या है? जब रिपोर्ट क्लियर नहीं होती किसी कारण से, या मशीन में कोई गड़बड़ी है, या मशीन बीमारी को पकड़ नहीं पा रही है, या जो रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, या जो टेक्नीशियन है वो टेस्ट कर रहे हैं, उनको डाउट हो रहा है कि कुछ तो है लेकिन क्लियर नहीं है, तो वो BIRADS कैटेगरी 0 में रखते हैं। 0 यानी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी की रिपोर्ट में BIRADS 0 कैटेगरी दे रहा है तो आप तत्काल डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लें, या अपना डॉक्टर चेंज करें, या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएं और स्पेशलिस्ट से मिलें और उनसे सलाह लें कि अब क्या करना है। वो आपको दूसरे टेस्ट एडवाइस करेंगे तब तो आपकी डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर होगी। दोस्तों, अब इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट में पेशेंट को कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों की बीमारी है। अब इस रिपोर्ट में देखिए, इस रिपोर्ट में कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों ही ठीक हो चुके हैं। कैटेगरी 2 तो आसानी से ठीक हो जाते हैं कुछ महीनों में, लेकिन कैटेगरी 3 जिसे फाइब्रोएडिनोमा कहते हैं, ये बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। अब ये केस कैसे ठीक हुआ ये देखेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
मैं डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत जल्द आऊँगा आपके पास एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक नए कोविड केस के साथ। तब तक होम्योपैथी के साथ सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।